हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आप जो है ये जो पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है भाई, अगर मैं पूछूँ कि आपको डिलीट करना है, इसको हटाना है, तो इसके लिए आप सोच रहे हो कैसे हटेगा भाई, इसके लिए तो एडिटिंग करनी होगी। बट मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है भाई। एडिटिंग करना है यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसको मात्र चुटकियों में, मात्र एक सेकंड में, एक मिनट में ये डिलीट होने वाला है। अगर आप इसको इसके बैकग्राउंड में कुछ अदर लगाना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। यहां पर आज मैं बात करूंगा कि इसको हटाएंगे कैसे, किस तरीके से बैकग्राउंड को हटाएं, इसको PNG कैसे, PNG में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब करोगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको नेक्स्ट अदर सारी फीचर्स बताते रहेंगे। चलिए ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। जैसा कि मैं होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ अपने मोबाइल के, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल इंटरनेट को एक्सेस कर लेना है, ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर पर, आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है BG। यहाँ पर सर्च करना है BG और यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे BG सर्च कर लेंगे, ध्यान देना है आपको BG सर्च करना है। BG सर्च करेंगे, यहाँ पर आप मेरा डेस्कटॉप मोड में है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसी तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको रिमूव बैकग्राउंड पहला ऑप्शन आ जाएगा, पहला यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा, पहले ही आपको मिल जाएगा BG। इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से मैं चलिए इसको डेस्कटॉप मोड में हटा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा लोड होगा, जैसा कि आपका इंटरनेट स्लो चलेगा फास्ट चलेगा उसके हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी डेस्कटॉप मोड को हटा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा इसका, BG का, रिमूव BG का जो वेबसाइट है इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको अलाउ करने के लिए परमिशन स्टोरेज के अलाउ मांगेगा, अलाउ कर लेना। और यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो कैमरा और ब्राउज दे रहा है इस पर ब्राउज पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको सारे डिटेल चले जाएगा, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। पिक्चर में जाइएगा और यहाँ पर आपको जहाँ की फ़ोटो लेनी हो यहाँ से चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर चलिए मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपको जिसका भी बैकग्राउंड हटाना हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस देगा और यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड हट चुका है। अब इसको गैलरी में कैसे सेव करना है वो भी आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर डाउनलोड HD, यहाँ पर HD में डाउनलोड करने के लिए आपको हो सकता है पेमेंट करना पड़े। और यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, सिंपल सा ये डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये, और यहाँ पर फिर से डाउनलोड अगेन पर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड होकर तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।